OBE, जैसे हमने उनके बारे में चर्चाएं करी थी कि उनके भी खिलाड़ी पहले जैसे एगी थे, पहले वो उनका हिस्सा हुआ करते थे, वो फिर दूसरे टीम में गए ब्लिस से, वो टीम भी आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई दी। रेकनिंग, हमने इमॉर्टल के बारे में इतनी चर्चाएं करी है। इन्फर्नो स्क्वाड, एक और टीम जो BGIS 2024 का हिस्सा थे, वहां वो अच्छा नहीं खेल पाए थे, बदलाव के साथ आए और एक बार फिर से लैंड फाइनल्स का वो हिस्सा होंगे। बड़े बड़े नाम धराशायी हुए यहां तक पहुंचने में। राउंड वन में भी बहुत नाम निकले, राउंड टू में भी निकले, राउंड थ्री में तो एक सुनामी आई थी उन नामों की जो एलिमिनेट हुए थे। सेमीफाइनल्स में भी कुछ नाम गए, लेकिन अब ये वो नाम है, ये वो क्रीम ऑफ द क्रॉप है, ये वो 16 है जो 18 मैच खेलेंगे 75 लाख के लिए, ये वो 16 है जो अपने आप को फाइनल्स के अंदर देखते हुए उस कोची की क्राउड के सामने एक हाइप्ड अप परफॉर्मेंस देंगे, ये वो 16 है जिनको अब आप कह सकते हैं वो सर्वश्रेष्ठ का खिताब पाने के लिए सबसे बेहतरीन प्रदर्शन सामने रखेंगे। एडमिनो एक बार फिर से उन्होंने टेबल टॉप किया, 76 फिनिशेस निकाले ड्रैगन 74 के साथ, स्प्रे गॉड वो भी 73 पर। लेजिट आज का दिन उनके लिए बढ़िया नहीं रहा, या मैं कहूं TWOB का आज दिन बढ़िया नहीं रहा तो कहीं से गलत नहीं होगा, पर हाइड्रो अभी भी मैदान में है और सबसे अच्छी बात कि ये पांचों खिलाड़ी हैं और इनकी टीम वो लैंड फाइनल खेल रहे हैं। जी हाँ, यानी कि 4 लाख के कंटेंशन में ये सारे खिलाड़ी रहने वाले और देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि कितना बेहतर वो खेल करके जा पाए। जो सफर है उसका वो चल रहा है और क्या पता एक ऐतिहासिक एंडिंग भी हमें देखने को मिले, जहां पर वो टीम्स, वो खिलाड़ी जो कभी लैंड फाइनल्स नहीं खेले वो आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं, वो टीम जिनका रिकॉर्ड था कि वो कभी लैंड फाइनल्स नहीं पहुंच पाए वो आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड और ग्रैंड फाइनल से कुछ अनएक्सपेक्टेड ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मैं तो बस एकदम छोटे स्तर पर बस यही बोल सकता हूं कि ये अभी भी सिर्फ शुरुआत है, एक्चुअल एक्शन कोची में है और कोची के लिए तो बस तैयारी करनी है हमें भी और टीम्स को भी। देखिए टीम